टू प्रूव दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसको रियल लॉ क्यों बोलते हैं, तीन लॉज हैं न्यूटन के, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड कह रहा है असली है, बाकी मतलब रियल लॉ जो है वो सेकेंड है. इसका मतलब है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से बनाया जा सकता है. मतलब सेकेंड लॉ में न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी छुपा हुआ है और न्यूटन के सेकेंड लॉ में थर्ड लॉ भी छुपा हुआ है. तो अगर मैं ये बात आपको प्रूव कर दूं तो सेकेंड लॉ ही असली लॉ है. तो इसको प्रूव अगर करना है तो दो बार करना पड़ेगा. पहले प्रूव करना पड़ेगा दैट फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, फिर मुझे प्रूव करना पड़ेगा दैट थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ. अगर मैंने दोनों चीजें प्रूव कर दी तो सेकेंड लॉ इज रियल लॉ. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो पहले प्रूव करते हैं फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ. तो सेकेंड लॉ की डेफिनेशन है क्या? एफ इजिकल टू एम इन टू ए, वेक्टर लगाना जहां जहां वेक्टर है. तो अगर मैं किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दूं, मैं अप्लाई ना करूं, तो उसका ए क्या आएगा? कॉस जीरो, ए जीरो आएगा. ए जीरो के दो मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट पे है तो भी ए जीरो, या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो भी ए जीरो. दो ही चीजें हैं. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो यही बोलता है, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और विल मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर उस पर क्या ना लगाई जाए? एक्सटर्नल फोर्स. मैं भी तो ये बोल रहा हूं कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तो ए जीरो है. और इससे ये प्रूव हो गया सेकेंड लॉ के डेफिनेशन से, अ बॉडी इज आइदर एट रेस्ट या मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज व्हाट न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स. तो हो गया प्रूव यहां से फर्स्ट लॉ. अब क्या प्रूव करेंगे? न्यूटन का थर्ड लॉ. अब थर्ड लॉ बीच में कैसे पड़ा हुआ है? थर्ड लॉ को प्रूव करने के लिए आपको एक बात एक्स्ट्रा समझनी पड़ेगी, जो अगला लेक्चर भी इसी के ऊपर है, एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर है. व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? जब भी ये वर्ड आएगा, प्रूव करो न्यूटन का थर्ड लॉ सेकेंड लॉ में कंटेंड है, आपने एक लाइन बड़ी बड़ी लिखनी है, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज. अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी आपको कुछ मिलने वाला नहीं, नंबर बता रहा हूं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. तो आगे प्रूव करने से पहले, प्रूफ तो दो मिनट का है, आपको सीखना पड़ेगा व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है इसको सीखते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम दो बॉडीज का वो सिस्टम है कि दोनों बॉडीज का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो जब दो बॉडीज का मोमेंटम कांस्टेंट है तो वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है. और ऐसा कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आप क्या अप्लाई करेंगे? जीरो. वो क्यों? क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. अगर मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की तो इसका मतलब पी मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट. तो आइसोलेटेड सिस्टम की दो पहचान है. पहली, उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए सिस्टम का? कॉन्स्टेंट. और फोर्स क्या लगनी चाहिए बाहर से? जीरो. तो लोग कहते हैं सर एग्जाम्पल से समझाओ, ये तो बातें हवा की बातें हैं, थ्योरी सी है, इससे समझ में नहीं आया. तो थ्योरी समझा, एग्जाम्पल समझाता हूं. मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं आइसोलेटेड सिस्टम का, और पहला एग्जाम्पल आइसोलेटेड का. मान लो आपके पास एक गन है और ये क्या पड़ी हुई है अंदर? बुलेट है. तो आपने सुना होगा 9th और 10th क्लास में, अगर बुलेट चलती है और गन पीछे आती है, एक्शन रिएक्शन है ना, ऐसे होता है ना. और इक्वेशन भी होती है इसमें छोटी क्लास में, M1V1 = M2V2, ये सिखाते हैं. पर मैं ऐसे सिखाऊंगा नहीं, मैं ऐसे सिखाऊंगा गोली का चलना इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो जब गोली चलती है तो गन को पीछे आना ही है किसी भी हालत में, और सच दैट इनका जो मोमेंटम है वो गोली चलने से पहले और गोली चलने के बाद हमेशा कांस्टेंट रहेगा. मैं करके दिखाता हूं कैसे. गोली जब चली नहीं तो उसका मोमेंटम क्या था? जीरो. गोली जब चली नहीं तो गन का मोमेंटम क्या है? जीरो. तो इनिशियल मोमेंटम क्या है गोली चलने से पहले? जीरो. गोली जब चली तो ये गोली M1V1 मोमेंटम जनरेट कर गई आगे की तरफ, तो इस गन को पीछे जाना ही पड़ेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन. पीछे का मतलब नेगेटिव. वो क्यों? क्योंकि अगर गोली ने मोमेंटम 10 जनरेट किया तो बुलेट ने अगर 10 जनरेट किया तो गन ने भी 10 जनरेट करना ही है ताकि नेट मोमेंटम फिर से क्या आ जाए? जीरो. वो इसलिए बंदूक पीछे जाती है ताकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर गोली इधर मोमेंटम जनरेट करती है पी, तो
तो गन को यहां करना ही है पी, ताकि पी से पी कैंसिल, इसीलिए बंदूक उड़ के इधर नहीं जाती। अगर गोली इधर है बंदूक इधर जाएगी, ताकि दो वेक्टर आपस में क्या हो जाए कैंसिल, ताकि नेट मोमेंटम वापस से क्या आ जाए जीरो। लेकिन छोटी क्लास में ऐसे सिखाते हैं कि एम टू वी टू को इधर ले आओ, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू। एक्चुअल में ये थोड़ी ना है, एक्चुअल में तो ये है। तो समझ में आ रहा है, एम वन वी वन एम टू वी टू तो एक शॉर्टकट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो यानी कि आप ये मानते हो कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल करने के लिए बंदूक पीछे आएगी आएगी, तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और मजे की बात है, एक नेचुरल सिस्टम है, जब गोली चलती है नेचुरली बुलेट अगर चलेगी तो गन पीछे आएगी आएगी। लेकिन जब ये नेचुरली नहीं रहेगा, तो एग्जांपल सुनो, गोली चलानी है, मैंने ट्रिगर नहीं दबाया, मैंने गोली को खुद उठा के ऐसे फेंक दिया मेरी मर्जी, और गन को भी मैंने यहाँ फेंक दिया, ये कोई नेचुरल थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना गोली चलती है। तो ये मैं क्या लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये भी आइसोलेटेड नहीं रह सकता, तो इसका मोमेंटम कभी कंजर्व हो ही नहीं सकता, मेरे दो वेक्टर कांस्टेंट हो ही नहीं सकते, तो नेचुरल होना चाहिए, वही एक आइसोलेटेड सिस्टम है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? दूसरा एग्जांपल आइसोलेटेड का, कोलिजन। अगर एक बॉल है एम वन, मूव कर रही है विद वेलोसिटी यू वन, एक बॉल है एम टू, मूव कर रही है विद यू टू, इनकी आपस में हो जाती है टक्कर, एम वन एम टू। टक्कर के बाद क्या होता है, एम वन मूव करता है वी वन और एम टू मूव करता है विद वी टू। अब एक बार आपने बॉल को फोर्स लगा के छोड़ दिया, अब नहीं आपने टच करना, अब नेचुरली उनकी टक्कर होने दें और नेचुरली कोलाइड होकर उनको सेपरेट होने दो, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं है कि तुमने बॉल उठाई उसे छोड़ा ही नहीं, तुमने कहा मैं ही इसको टक्कर मरवाऊंगा मेरी मर्जी और फिर मैं इधर उधर फेंक दूंगा, ये नेचुरल सिस्टम थोड़ी ना है। टक्कर के बाद तो वो कोलिजन नेचुरली होनी चाहिए। तो अगर दो बॉल्स की टक्कर हो तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम पहली दो बॉल्स का कितना है, इतना है, और टक्कर के बाद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये ट्रू है, हम करेंगे आने वाले टाइम में कि टक्कर से पहले मोमेंटम, टक्कर के बाद मोमेंटम बिल्कुल सेम रहता है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, इसी को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, बच्चा बहुत सोचता है घर जाके कि यार मेरे को कैसे नजर नहीं आ रहा आइसोलेटेड, सर को तो नजर आ जाता है मेरे को आ ही नहीं रहा। आपको नहीं आएगा, तो आपको कब आएगा, अगले लेक्चर में मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, अगले दो साल में हम कौन कौन से आइसोलेटेड सिस्टम यूज करेंगे, पांच चार सिस्टम ये ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा कि ये देखो ये आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड, ये और ये आइसोलेटेड, इसके अलावा कुछ ना आएगा, जो आएगा उसी में से आएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन कौन से हैं ये आपको पता लगेगा कि कैसे ढूंढा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। अभी ब्रीफ में मैंने बता दिया कि कोलिजन होना दो बॉल्स का, गोली चलना इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब वापस चलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव करना है तो कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे गोली का लो चाहे कोलिजन का लो। तो मैंने कोलिजन का ले लिया, दो बॉल जा रही हैं आपस में टक्कर हुई, जब इनकी टक्कर होगी तो एक बॉल एम वन एम टू को फोर्स लगाएगी, तो बदले में ये इसे रिएक्शन की फोर्स लगाएगी। तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगी, टू के ऊपर फोर्स लगी वन ने लगाई, और वन बॉडी पे फोर्स लगी टू ने लगाई। ये डायग्राम आपने बनाना है जब पेपर में आएगा। फिर आपने ऐसे लिखना है, पी वन वैक्टर लीनियर मोमेंटम ऑफ एम वन है, पी टू वैक्टर लीनियर मोमेंटम ऑफ एम टू है, और एफ वन टू का मतलब वन के ऊपर फोर्स लगी टू ने लगाई, और टू वन का मतलब टू बॉडी पे फोर्स लगी वन ने लगाई। ये चार लाइनें लिखने के बाद, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ वैक्टर डी पी बाई डी टी, वैक्टर हर जगह लगाना जो वैक्टर क्वान्टिटीज हैं, फर्स्ट बॉल के लिए फर्स्ट बॉल के ऊपर फोर्स है एफ वन टू, वन के ऊपर फोर्स है, तो यहाँ आएगा पी वन, डी पी बाई डी टी में फर्स्ट बॉल है तो पी वन एफ वन, सेकेंड बॉल है तो पी टू एफ टू। तो दो फोर्सेज निकाल ली आपने एफ टू एफ वन पे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, दिस प्लस दिस डी बाई डी टी कॉमन, पर क्योंकि टक्कर होना दो बॉल्स का इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, हमने ज्यूम किया ये, तो ये दो बॉल्स का टक्कर तो आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो ये टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, जीरो। तो ये टर्म तो उड़ गई जीरो, इसलिए उड़ी क्योंकि हमने क्या लिया, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर वो ना होता तो मोमेंटम कॉन्स्टेंट ना होता, ये उड़ता ना, इसलिए जरूरी है बोलना इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन कॉन्स्टेंट की जीरो है, ये जीरो हो गया, एफ वन टू एफ टू वन के इक्वल हो गया, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव हो गया।
तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपने ऐसे ही लिख के आना है। तो ठीक है यहाँ तक।